भैया जी, इस वीडियो में जानेंगे कि नारियल की रस्सी कैसे बनती है। वैसे तो नारियल की रस्सी बनाने का काम काफी सिंपल होता है, लेकिन नारियल की रस्सी की डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि रोजाना 10 से 20 ट्रक रस्सी बनाना पड़ता है। और आपको तो पता ही होगा कि पूरी दुनिया में नारियल की सबसे ज्यादा पैदावार इंडिया में ही होती है, और नारियल की सबसे ज्यादा खेती साउथ इंडिया में केरल और हैदराबाद में होती है। तो आज हम आपको वहीं के किसी एक फैक्ट्री में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे एडवांस तरीके से नारियल की रस्सी बनाई जाती है। तो शुरुआत में सबसे पहले इन तैयार हो चुके नारियल को पेड़ों से कुछ ऐसे तोड़ लिया जाता है और इनको जमा कर लिया जाता है। और अब जो नारियल थोड़े कच्चे होते हैं उनको धूप में सुखा लिया जाता है। तो अब इन नारियलों से रस्सी बनानी है, तो इन नारियलों के छिलके को कुछ इस तरीके से अलग कर लिया जाता है। वैसे इस तरह से नारियल के छिलके को अलग करने में थोड़ी तो परेशानी होती ही है, और इसका सॉल्यूशन भी मार्केट में आ गया है। ये है कोकोनट डिहस्कर मशीन। देखिए कैसे जब साबुत नारियल को इस मशीन में डाला जाता है तो ये मशीन इस नारियल के आउटर सेल को एकदम आसानी से रिमूव करके अलग कर देती है, और बिना छिलके वाला नारियल भी अलग जमा हो जाता है, जिसे कि मार्केट में बिक्री कर दिया जाएगा। अब रोजाना इतने सारे नारियलों को छीला जाएगा तो देखिए नारियल के छिलके का ऐसा पहाड़ तो तैयार हो ही जाएगा। तो अब नारियल से रस्सी बनने वाली है। अब जिस नारियल के छिलके को हम और आप कचरा समझकर फेंक देते हैं, उसी से ये लोग रस्सी बनाकर लाखों कमा रहे हैं। अगर बिजनेस माइंडसेट हो तो छोटे छोटे बिजनेस को भी बड़ा बनाना आसान होता है। इसलिए मैं आपको ये बुक द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी रिकमेंड करता हूँ, जो कि ऑडियो फॉर्मेट में हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। कुकू FM ऐप पर इस बुक को सुनने के बाद आपका बिजनेस के प्रति नजरिया बदल जाएगा, जिससे आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में आसानी होगी। कुकू FM जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 1 मिलियन से भी ज्यादा पेड एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं और प्ले स्टोर पर 4.5 की रेटिंग है। इतने बिजी लाइफ में मैं भी बुक को पढ़ने से ज्यादा कुकू FM पर ऑडियो बुक सुनना प्रेफर करता हूँ। और अगर आप भी कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हो तो यहाँ पर आपको कई बुक्स की समरी भी मिल जाएगी। यहाँ 5000 की स्ट्रॉन्ग ऑडियो लाइब्रेरी है, यानी कि आप जब चाहो जहाँ चाहो अपनी पसंदीदा बुक को सुन सकते हो। वैसे तो इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज का है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे या फिर मेरा कूपन कोड यूज करोगे जो है FACTS50, तो आपको 50% डिस्काउंट यानी कि 199 रुपीज में इसका सालाना सब्सक्रिप्शन मिलेगा। वैसे यह कूपन कोड सिर्फ फर्स्ट 200 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है, इसलिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू FM को डाउनलोड करो। तो अब आते हैं रस्सी बनाने की प्रोसेस पर। तो इस फैक्ट्री के बाहर नारियल के छिलकों का पहाड़ तैयार है। अब सबसे पहले तो इन छिलकों को उठाकर फैक्ट्री में लगे इस कन्वेयर पर डाल दिया जाता है, जो आगे जाकर इसको ग्राइंडिंग मशीन में डाल देता है, जो कि इन छिलकों को ग्राइंड करके इसका रेशेदार भूसा तैयार कर देती है। और फिर इन भूसों को कुछ दिन तक धूप में रखकर सुखाया जाता है ताकि इसमें मौजूद सारी नमी खत्म हो सके। और अब फिर से एक बार इन सूखे हुए भूसों को कन्वेयर पर डाला जाता है, जो कि आगे जाकर इस जालीदार रोटेटिंग ड्रम में चली जाती है, जो कि इन भूसों में से महीन और छोटे छोटे टुकड़ों को छानकर अलग कर देती है, और लंबे रेशेदार नारियल के भूसे अलग कर लिए जाते हैं, और इसका गट्ठर बनाकर इसे रस्सी बनाने वाली फैक्ट्रियों तक पहुँचा दिया जाता है। और अब यहाँ काम शुरू होता है। सबसे पहले इन रेशेदार भूसों को इस मशीन में डाल दिया जाता है, जो कि इस रेशेदार भूसे को धीरे धीरे खींचकर अंदर आपस में गूंथ कर बाहर निकालती जाती है, और ये घूमती हुई मशीन इस पतले रेशे को आपस में लपेटती रहती है, जिससे एक मजबूत रस्सी तैयार हो जाती है। और मोटी या मजबूत रस्सी को बनाने के लिए इन्हीं रस्सियों को आपस में लपेटकर तैयार कर लिया जाता है। और अब अंत में इन रस्सियों को अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से लपेटकर उसका गुच्छा तैयार कर लिया जाता है। तो कुछ ऐसे तैयार हो जाती है नारियल की रस्सियां। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट में जरूर बताएं, हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में कुकू FM की लिंक दे रखी है, तो वहां जाएं कुकू FM को डाउनलोड करें और मेरा कूपन कोड यूज करें FACTS50। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपकी स्क्रीन पर दो वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें।